चेहरे पर मुहासों के दाग धब्बे होना एक अलग बात है, लेकिन जब बिना मतलब के डार्क कलर के पैचेस हमारी स्किन पे आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली हाइपर पिगमेंटेशन जो हमारे माउथ के अराउंड होती है, कितनी बार नोज के आसपास होती है, तो ये बिना मतलब का सिरदर्द हो जाता है ना। तो चलो आज इसी पर हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारे चेहरे पर आती क्यों है। देखिए कुछ मैं डीआईवाई बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज स्किप मत कीजिए, प्लीज सुन के जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। देखिए ये पिगमेंटेशन के कारण ना बहुत सारे हो सकते हैं। कितनी बार हम सन बाहर जा रहे हैं तो सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं। स्पेशली जो ना डेड सेल्स हमारे चेहरे पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर जैसे डार्कनेस होती है ना, तो हम अच्छी तरीके से उसको रब नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेयर रिमूवल क्रीम हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके कारण भी ये देखा गया है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मल्टी विटामिन की कमी है, स्पेशली विटामिन सी और विटामिन बी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और उनसे चेकअप करा के पता करिए कि हम कौन सी मल्टी विटामिन की जो टेबलेट्स हैं वो ले सकते हैं। एक चीज और है कि जो हम सोते वक्त नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हैं, यानी कि मुंह खोल करके हम लोग सोते हैं, तो कितनी बार सलाइवा हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम वो देखी गई है। अब बात करते हैं डीआईवाई के बारे में। देखिए आपको करना है सबसे पहले क्लीन अप। तो क्लीन करने के लिए हमें लेनी है यहाँ पे दही, और दही में आप ऐड कर लीजिए लेमन को, इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको अप्लाई करना है ये अपने पूरे फेस पर, पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जहां पे आपको पिगमेंटेशन दिखाई दे रही है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। देखिए जितना ज्यादा आप मसाज करेंगे ना, उतना आप देखेंगे कि आपके यहां पर ना कुछ ब्लैकिश निकलना शुरू हो जाए, यानी जितनी भी गंदगी है, डेड सेल्स हैं, इकट्ठे हो गए हैं ना, वो सब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे जितना ज्यादा आप मसाज करेंगे वो सब ब्लैकनेस यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको करनी है डेली, अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। सेकेंड स्टेप के लिए आपको यहाँ पे लेना है थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हमें ऐड करनी है एक चम्मच मुलेठी पाउडर। देखिए मुलेठी पाउडर पूरे दुनिया में ना एक ऐसा पाउडर है जो कि इतना दम रखता है कि आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ब्लैकनेस आ गई है, कुछ भी आ गया है, उन सबको दूर करने का ये दम रखता है। तो मुलेठी पाउडर को आप हमेशा अपने घर में जरूर रखिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां जाकर के खरीद सकते हैं। तो मुलेठी पाउडर आपको एक चम्मच इसमें ऐड कर देनी है, और इसमें हमने हल्दी ऐड कर दिया है तो मतलब सोने पे सुहागा। इसके बाद हम यहाँ पे हनी यानी कि शहद का यूज कर रहे हैं, तकरीबन मैं अंदाजे से डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हनी इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना कितनी बार ड्राइनेस बहुत ज्यादा इकट्ठी, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और कितनी बार हम लोग मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ये ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हनी का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डाल रहे हैं लेमन, ताकि ये अच्छी तरीके से इसका एक मास्क जो है वो बन करके तैयार हो जाए। देखिए जो लेमन है ना वो आपके चेहरे से जितनी भी डार्कनेस की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये पूरा पैक इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आप इसको यूज करेंगे तो आपको इम्पैक्ट कुछ ही दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने पूरे जहां पर भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहां पर अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं कहूंगी आप इसे अपने पूरे चेहरे पर ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कितनी बार चेहरे पर छोटे मोटे दाग धब्बे तो होते ही है, उनको निकालने में भी आसानी हो जाती है। तो पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई कर लीजिए और इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं होता, स्पेशली जो लोग बाहर काम करते हैं हम लोगों के पास सच में टाइम नहीं होता है। तो मैं हमेशा अपनी डीआईवाई वीडियो में ये कहती हूँ कि कोई भी डीआईवाई का यूज करो ना वो रात में करो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है, आपको जल्दी रिजल्ट दिखाई देता है। तो दिन में करने की कोई जरूरत नहीं है, रात में जब आप अपने घर में है सोने से पहले अपना आधा घंटा निकाल लीजिए और अपनी डीआईवाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने दीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है। अब आप कहेंगे कि इसको हम कितने टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको ये दोनों ही स्टेप रेगुलर करने हैं, रोज करने हैं, कम से कम 21 दिन आप करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन जो भी मैंने पहले बात कही है उनका भी जरूर ध्यान रखना कि मल्टीविटामिन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब चीजें भी प्लीज मैटर करती हैं, तो इनका भी बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि देखिए ऊपर से कितना भी लीपा पोती कर लो, जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं है या फिर अंदर से आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, उनसे अपना एक बार चेकअप जरूर करा लीजिएगा और फिर आप ये डीआईवाई
यूज करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर कितना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो ट्राई करके देखो और फिर मुझे बताओ इसका रिजल्ट कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। और आपको कोई और वीडियो बनवानी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।